मेरी जो राइड है वो कैंसिल पे कैंसिल हो रही है. सनस्क्रीन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है बट मैं नहीं चाहती कि मैं धूप में जलूं. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आज सुबह सुबह यहाँ जो बिल्कुल 9:30 बजे मैं व्लॉग बनाने आ गई हूँ, उसकी वजह ये है कि इतने टाइम से इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट क्रिएशन, प्रमोशन, कोलैबोरेशंस कर रही हूँ, तो काफ़ी लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है, काफ़ी जो बडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ये क्वेश्चन होता है कि भाई प्रमोशनल वीडियोज़ हम कैसे शूट करते हैं, क्या होता है, व्हाट गोज़ बिहाइंड, ब्ला ब्ला ब्ला. तो आज मेरे पास एक कोलैबोरेशन आई हुई थी, एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने जाना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँ उस शूट पे और दिखाऊँ कि भाई पूरा प्रोसेस कैसे होता है, सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं. तो आज जहाँ हम शूट के लिए जाने वाले हैं उस जगह का नाम है द ब्यूटी एस्थेटिक. ये है एक एडवांस स्किन केयर सेंटर एंड एकेडमी. यहाँ पे बेसिकली जितने भी ब्यूटी एस्थेटिक रिलेटेड स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं ये सब आपको यहाँ पे मिलते हैं. अच्छा, मज़े की बात यह है कि इनके लिए मैं एक प्रमोशनल वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आई थिंक 2023 में मैंने बनाया था और वो वीडियो बहुत ही अमेजिंग बना था. द आउटकम वॉज रियली गुड, मुझे भी बहुत पर्सनली वो वीडियो पसंद आई थी. तो आज उन्होंने हमें दोबारा से बुला लिया है प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ और आप लोगों को अपने साथ लेके चलूंगी. यूजुअली हमारे पास कोई फूड रिलेटेड या कोई फूड आउटलेट, रेस्टोरेंट, होटल या कोई भी क्लोथिंग ब्रांड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोलैबोरेशंस आते हैं ना, तो वो करना कंपैरेटिवली ईजी होता है क्योंकि खाने का क्या है, आप टेस्ट करके सामने वाले को जेन्युइन रिव्यू दे सकते हो. कपड़े वगैरह हुए, इन सब चीज़ों को भी ना आप सामने से देख के किसी को भी अपना रिव्यू दे सकते हो. बट ब्यूटी एस्थेटिक रिलेटेड या इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो होते हैं ना, वो जब तक आप अपने ऊपर ना करवाओ तब तक आप किसी भी इंसान को जेन्युइन रिव्यू नहीं दे पाओगे. तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब इस तरह की शूट्स करने जाती हूँ तो मैं एक्चुअली उनका जो भी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो मुझे मेरी स्किन टाइप के लिए सजेस्ट करते हैं वो मैं सामने करवाती हूँ कैमरा के. सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रमोशनल वीडियो बन रहा है तो सिर्फ शूट करा लिया, नहीं, मैं एक्चुअली वो ट्रीटमेंट अपने फेस पे कराती हूँ ताकि लोगों को मैं एक्चुअली दिखा पाऊँ कि ये जो हो रहा है एडवर्टाइजमेंट में, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है. इन्फ्लुएंसर्स इस तरह के कोई भी शूट्स करने जाते हैं या इस तरह का कोई भी कोलैबोरेशन प्रमोशन करते हैं, सो दे ऑलरेडी हैव अ लेयर ऑफ मेकअप ऑन देयर स्किन और उसके ऊपर जब ट्रीटमेंट होता हुआ दिखता है तो एकदम उनकी ऑडियंस भी सोचती है कि यार इतनी फ्लॉलेस स्किन हो जाएगी, चलो हम भी करा लेते हैं. मैं ऐसा कोई भी धोखे वाली चीज़ नहीं करती हूँ. मैं क्या करती हूँ, मैं उनको जाके क्लियरली बोल देती हूँ कि आप मेरा पूरा मेकअप रिमूव करिए, उसके बाद इस पर प्रोसेस करके दिखाइए ताकि लोगों को सामने से दिखे कि दिस इज़ व्हाट माय एक्चुअल स्किन लुक्स लाइक. बिकॉज आई थिंक कोई शर्म की बात नहीं है, हम सबकी स्किन फ्लॉलेस नहीं होती, मेरी बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन सी अभी भी कुछ कुछ बम्प्स दिख ही रहे होंगे. सो जितना ज़्यादा हम इस तरह के ट्रीटमेंट्स या इस तरह की चीज़ों में रियलिटी दिखाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है और मुझे लगता है लोग उतना ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यार इसकी भी स्किन हमारी तरह ही है, एंड मतलब यू नो एक कनेक्शन बनता है. तो इसलिए मैं अपनी पूरी जो बेयर स्किन होती है उस पर ट्रीटमेंट करवाती हूँ और उसी को शूट करवाती हूँ विदाउट एनी मेकअप. तो अब जल्दी से जाते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को. सो आई एम फाइनली रेडी फॉर द शूट एंड आज जो मैंने आउटफिट चूज़ किया है इट इज़ अ वेरी कैजुअल एंड कम्फर्टेबल काइंड ऑफ एन आउटफिट, क्योंकि आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है और यूजुअली भी जब हम लोग प्रमोशनल वीडियोज़ बनाने के लिए, शूट के लिए या किसी भी तरह के कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए जाते हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये चीज़ माइंड में रख के अपना आउटफिट प्लान करें कि वो जगह कैसी है, किस तरह के हम शूट के लिए जा रहे हैं और स्पेशली किस तरह का मौसम है, क्योंकि इतने सारे रीटेक्स होते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा पहने हो जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो या आपको वेदर के हिसाब से वो आउटफिट कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो शूट में बहुत प्रॉब्लम होती है. इसलिए मैंने बहुत कैजुअल सा आउटफिट पहना है कि मुझे ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और मैं अच्छे से शूट भी कर पाऊँ. सो नाउ आई विल शो यू गाइज माई शूट अपनी जगह पे पहुँच के. 2000 years later. सनस्क्रीन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है बट मैं नहीं चाहती कि मैं धूप में जलूँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी मैंने पहन लिए हैं और अब साथ में चलते हैं शूट पे. मुझे शूट पे पहुंचना है बहुत जल्दी, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ तो मैं कार से नहीं बाइक से जा रही हूँ, पापा मुझे ड्रॉप करेंगे, सो लेट्स गो.
ब्यूटी एस्थेटिक जाने के लिए ये जो रोड है ये वही सेम रोड है जहाँ से मैं अपने स्कूल के 10th and 12th बोर्ड के एग्ज़ाम सेंटर जाया करती थी। तो मुझे यहाँ आके हमेशा अपने स्कूल डेज़ की याद आ जाती है। बट मुझे ये रोड कभी भी पसंद नहीं आई क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है और पता नहीं क्यों यहाँ आके ऐसा फील होता है जैसे हम भोपाल में हैं ही नहीं और हम कहीं बाहर आ गए हैं। लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ एंड लकीली उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और हम टू व्हीलर से भी थे तो मैं काफ़ी जल्दी आ गई हूँ। ये है ब्यूटी एस्थेटिक का रास्ता जहाँ आज मैं शूट के लिए आई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर। जिस तरह का भोपाल में अभी इस टाइम पे वेदर हो रहा है, जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसी रीज़न से मैं इतनी ज़्यादा सुबह के या दिन के टाइम के शूट्स नहीं प्लान करती हूँ, वरना आप जगह पर पहुँचने से पहले ही पिघलने लगते हो। जस्ट लुक एट मी। ये है ब्यूटी एस्थेटिक एडवांस स्किन केयर सेंटर एंड एकेडमी जहाँ आज हम शूट करने वाले हैं। जितनी देर में शूट का सेटअप हो रहा है मैंने सोचा आप लोगों को ब्यूटी एस्थेटिक दिखा दूँ। आज का जो शूट है वो हम लोग प्रोफेशनल कैमरा से कर रहे हैं, नहीं तो यूजुअली हम लोग आईफोन से ही शूट करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लाइट यहाँ थोड़ी सी कम है इसलिए हमने एडिशनल लाइट भी लगा ली है और बस अब सब कुछ चेक करना है कि कैमरा में क्वालिटी कैसी आ रही है, सब कुछ परफेक्ट है या नहीं, और इसके बाद हम लोग शूट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे कैमरामैन हमें किस तरह गाइड कर रहे हैं शूट के टाइम पे। शूट से पहले हम लोगों की एक छोटी सी ब्रीफिंग होती है जिसमें हम सब अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। उन्हीं आइडियाज़ के बेसिस पे वीडियो कैसी बननी है उसके लिए हमें कैमरामैन गाइड करते हैं पूरे टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैमरामैन की बात सुनें क्योंकि जो एंड रिज़ल्ट है और जो फाइनल वीडियो है वो हमें यही बना के देंगे। सो इनके हिसाब से जो शॉट्स हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने ये वैक्स करवाया था जिसके बाद मुझे ये बोन पैचेस हो गए हैं। अब मैं कुछ शॉट्स जो हैं वो सिंगल टेक में ही बहुत अच्छे रिकॉर्ड हो जाते हैं, बट यहाँ जो हम शॉट ले रहे हैं ये हमें डिफरेंट एंगल्स से लेना है इसलिए इसके लिए हमें मल्टीपल रीटेक्स लग रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, ये हम लोग शूट के लिए एक्चुअल पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो मोर देन अ प्रमोशन ये एक जेन्युइन रिव्यू भी होता है क्योंकि सब कुछ एक्चुअली होता है फेस पे। सो दिस इज नॉट जस्ट एन एड शूट बट ये एक्चुअल में ट्रीटमेंट हो रहा है। मेरा ट्रीटमेंट यहाँ हो चुका है स्टार्ट और मेरी स्किन कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ कार्बन लेजर पील। इस तरह के शूट्स में हम एंट्री, एग्जिट और कंसल्टेशन वाले जो शॉट्स होते हैं वो पहले ही ले लेते हैं सो दैट बाद में हम सिर्फ ट्रीटमेंट रिलेटेड शॉट्स पे फोकस करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट भी चल रहा है और साथ में शूट भी हो रहा है। फाइनली हमारा शूट ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है और अब हम जाएंगे घर। सो हमारा शूट हो चुका है डन और अब मुझे जाना है घर। पापा को इतनी दूर बुलाने का कोई सेंस नहीं है तो मैंने ओला बुक कर ली है, बट कैब वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे बुकिंग क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक होता है इस टाइम पे। तो अब हम घर जाने वाले हैं ऑटो से। मेरी जो राइड है वो कैंसिल पे कैंसिल हो रही है क्योंकि ये एड्रेस लोगों को मिल नहीं रहा है, जबकि इतना इजी एड्रेस है, मेन रोड से सिर्फ राइट में लेना है। बट फिर से बुक करिए, अब वेट कर रही हूँ। One eternity later. Even after so many attempts, मेरी कैब लोकेशन तक पहुँच ही नहीं पा रही थी और पापा भी काफ़ी दूर थे। तो यहाँ के जो ओनर थे वो लोग अपने घर जा रहे थे। भाई ने देखा कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे घर ड्रॉप कर देंगे। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ घर। स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मैं सेफली घर पहुंच गई हूँ शूट कंप्लीट करके। बहुत गर्मी लग रही है, अब घर जाके कुछ ठंडा पीना पड़ेगा।
मैं बस अभी घर में आके बैठी हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा रेड हो रहा है क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी कि ऐसा हो गया मेरा फेस, मतलब ये जला नहीं है बट ये सेंसिटिविटी की वजह से हो रहा है। और जबकि ऐसा नहीं है कि मैं ऑटो से या बाइक वगैरह से, टू व्हीलर से आई हूँ, मैं कार से आई, पूरी पैक थी, एसी भी चल रहा था, सब हो रहा था, लेकिन धूप से ऐसा हो गया मेरा फेस। शूट अच्छा हुआ, एवरीथिंग वेंट वेल। आई थिंक अराउंड 2 आवर्स लगे पूरा शूट कंप्लीट होने में, बट सब कुछ बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से हो गया। एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं अच्छे कंफर्टेबल कपड़े पहन के गई थी, तो गर्मी मुझे उतनी ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि इतनी गर्मी थी बाहर कि अगर मैंने कुछ फिटिंग का या कुछ बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहने होते ना, मेरी बैंड बच जाती, तो अच्छा हुआ मैं ये रिलैक्स्ड फिट वाले कपड़े पहन के गई थी बिल्कुल। आई होप आप लोगों को मेरा ये शूट वाला व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।